राजस्थान की चुनाव विशेष खबरों से जुड़ी हर बात सुरस आवाज राजस्थान के साथ। महज कुछ घंटों का और इंतजार, कल यानी रविवार 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ज्यों ज्यों ईवीएम का पिटारा खुलता जाएगा, उसमें दर्ज आंकड़े ये तय करेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बनेगी। मिजोरम में मतगणना सोमवार 4 दिसंबर को होगी। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ हैं अरिंदम। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रदेश भर में मतगणना संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इसके बाद वे जयपुर में मीडिया से रूबरू हुए और मतगणना प्रक्रिया के बारे में बताया। सर्विस वोटर्स भी अभी भी लगातार हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि कल रेलवे डाक तक जो भी प्राप्त होंगे, प्रातः 8 बजे तक सेंटर पे जो आएंगे वो सभी इसमें काउंट होंगे। तो इस तरह से इन सभी मतों की गिनती कल 8 बजे से की जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी और पोस्टल बैलेट के गिनती के बाद 8:30 बजे से ईवीएम का प्रथम राउंड किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि मतगणना कर्मियों का रेंडमाइजेशन त्रिस्तरीय है। पहला रेंडमाइजेशन हो चुका था, ऑब्जर्वर सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए और उन्होंने अपनी थल भी देख ली। कल सुबह भी 5 बजे एक बार फाइनल रेंडमाइजेशन करके उसको सुबह 5 बजे ही ज्ञात होता है कि मुझे इस कमरे के इस अमुक टेबल पर पहुंचना है। कम राउंड वाली सीटों के नतीजे पहले मिलने की संभावना है। प्रदेश में सबसे कम 14 राउंड वाली सीट अजमेर दक्षिण है। सबसे अधिक 34 राउंड में वोटों की गिनती शिव सीट पर होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 9 विधानसभा क्षेत्र 25 राउंड से ऊपर वाले हैं। राउंड्स की अगर बात करते हैं तो शिव जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें मतगणना होगी, 34 राउंड लगेंगे, और अजमेर साउथ है जिसमें की 14 राउंड में मतगणना पूर्ण होगी। ज्यादातर राउंड 20-21 के आसपास है। 25 से ऊपर केवल 9 विधानसभा में राउंड है। कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ बूंदी में हैं, कुछ जोधपुर में हैं। प्रयास ये किया गया है कि कम से कम समय में सटीक रिजल्ट दिया जा सके। राउंड वाइज परिणाम लगातार अपडेट किया जाता रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये भी बताया कि परिणाम और कहां कहां उपलब्ध होंगे। आम जन के लिए राउंड वाइज जो रिजल्ट दिया जाएगा उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है results.eci.gov.in उस पर देखा जा सकता है। साथ में हमारा जो पॉपुलर ऐप है वोटर हेल्पलाइन ऐप में भी रिजल्ट्स की व्यवस्था है। इसके अलावा सीओ राजस्थान की वेबसाइट में भी उसका लिंक दिया है रिजल्ट्स वाला। मीडिया हमारे कर्मियों के पासेस जारी कर दिए, मीडिया सेंटर रहेगा जिसमें जैसे ही हमारे रिटर्निंग अधिकारी राउंड वाइज रिजल्ट फीड करते हैं अपने सिस्टम पर, तो ट्रेंड टीवी करके एक सॉफ्टवेयर यूज करके डायरेक्ट मीडिया सेंटर पे भी तो लाइव डेटा वहां दिखाने का प्रावधान किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि राउंड वाइज क्रॉस चेकिंग की भी व्यवस्था की गई है। सभी जिलों में धारा 144 लागू है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता 5 दिसंबर तक लागू रहेगी। जो जिला मजिस्ट्रेट हैं सभी ने धारा 144 लगा रखी है अपने अपने जिलों में, और आपको जैसा ज्ञात है कि आदर्श आचार संहिता 5 तारीख तक लागू है। जिस दिन नोटिफाई किया गया था उस दिन बताया गया था, और ये 5 दिसंबर तक लागू रहेगी। इससे पहले सीईओ प्रवीण गुप्ता ने जयपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में उन्हें मतगणना प्रक्रिया की जानकारी दी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर प्रदेश के सभी 33 निर्वाचन जिलों में डीईओ ने भी चुनावी मशीनरी से संबंधित सभी कार्यों की गहन समीक्षा कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। जयपुर जिले से जुड़ी 19 सीटों के लिए वोटों की गिनती राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में होगी। यहां 233 टेबल पर 398 राउंड में 4691 ईवीएम में पड़े वोट गिने जाएंगे। 199 सीटों के लिए सभी 36 काउंटिंग सेंटर्स पर पार्किंग और प्रवेश सहित सभी व्यवस्थाएं तय कर दी गई हैं। और आपसे इजाजत लें इससे पहले जिक्र बूंदी महोत्सव का जो आज संपन्न हुआ। 3 दिन में यहां पगड़ी बांधना, रस्साकशी जैसी कई रोचक प्रतियोगिताएं हुई। नवल सागर झील पर दीपदान हुआ, आर्ट गैलरी में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, लोक नृत्यों ने तो अलग ही समा बांधा। बड़ी संख्या में जुटे विदेशी सैलानियों ने भी इस महोत्सव का खूब लुत्फ उठाया। Lots of activities to enjoy, dancing, tug of war, competitions, music. Yes, very good. Joyful experience. And the festival is fantastic. Good fun, lots of people laughing, funny competitions. तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।